जहाँ रुकी हूँ वो रिजोर्ट दिखाती हूँ आपको। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे रूबरू होना, कुछ बताना। तो ये है नुब्रा वैली का हुंडर गांव, जिसमें सैंडियोन माउंटेन्स हैं जो कि बिल्कुल सफ़ेद रेत से बने हुए हैं। और ये वहाँ रिजॉर्ट है इसी के नाम से, वाइट सैंडून माउंटेन के नाम से। और अभी मैं देखिए ग्रीनरी बहुत है यहाँ, और इस दीवार के साथ से भी मैं जा रही हूँ। मैंने अपनी चाय बना ली है, कप भी देखो कितने सुंदर हैं। और ये रिजोर्ट आपको दिखाती हूँ, ये हमारे एक ले में फैमिली फ्रेंड हैं, उन्होंने बुक करवाया है। अगर आपको इसके रेट वेट पता करना हो या पूछना हो तो मैं बता दूँगी। बहुत ही सुंदर रिजोर्ट है, बिल्कुल हरा भरा, हरे भरे गलियारों से होते हुए हम जाते हैं। अलग अलग वन रूम सेट कोटेज टाइप बनाई हुई है, इसमें 18 कोटेज हैं, ऐसे हैं ये। इस तरह से ये एक कोटेज पूरी होती है, आगे गजीबो बना हुआ है, छोटा सा लॉन है, और एक कमरा, छोटा सा ड्राइंग रूम और बाथरूम। अंदर से भी मैं दिखाऊंगी, अभी तो मैं बाहर आ गई जल्दी में। और ये है रेस्ट्रो, बफे लगता है, खाना बहुत टेस्टी है। कल तो मेरा फ़ोन बंद हो गया था तो मैं पूरा दिखा नहीं पाई। और ये लगा रखे हैं इन्होंने डस्टबिन, बहुत ही प्यारे। थोड़ा गला ख़राब हो गया है, थोड़ी ठंडी हवाएं चलती है ना तो होंठ फट गए हैं, और नाक में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है, या नाक में कुछ जम जाता है, ऐसे ऐसे लगता है कि जैसे सांस नहीं ले पा रहे ऑक्सीजन की कमी से। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, यहाँ ले से हाइट कम है, तो इस तरह से ये बने हुए हैं। और ये है यहाँ का रेस्टोरेंट जहाँ हम ब्रेकफास्ट करेंगे, डिनर करेंगे, लंच करेंगे। अभी काम चालू है इसका, अभी 2-3 साल हुए हैं इस रिजोर्ट को बने हुए। और सामने देखेंगे आप बैठने का है, और भी मैं दिखाती हूँ चलते चलते आपको कि पास में गांव है, गाय भैंसों की आवाज़ें आ रही है, और मैं साथ में अपनी चाय पी रही हूँ। ये ड्रैगन की शेप बनी हुई है कप्स में भी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बर्ड्स यहाँ चहचहा रहे हैं। और इन्होंने कुछ सब्जियाँ भी बीज रखी हैं, ये देखो, ये है पत्ता गोभी और बत्थू, और वो गांठ गोभी है, और वो मूली है। इस मौसम में ये सब्जियाँ यहाँ खूब होती है। ये 118 तक रूम है, तो ऐसे हम चलते चलते यहाँ आ गए हैं लास्ट रूम तक। वो हैं सामने वाइट सैंड माउंटेन्स, बिल्कुल सफ़ेद मिट्टी के टीले हैं, और उनमें डबल हम्प कैमल की सवारी होती है, जो कि जब यहाँ व्यापार होता था तो ईरानी चाइनीज़ लोग सिल्क उधर से लेकर आते थे, और इधर से चीनी, गुड़ ऐसी चीज़ें लेकर जाते थे। तो अब व्यापार तो बंद है, लेकिन वो कैमल यहीं के यहीं रह गए, तो अब उनको सवारी करवाई जाती है। तो ऐसे मैं आ गई हूँ, यहाँ से बैठ सकते हैं हम आराम से। अब इस गलियारे से मैं वापस चलती हूँ और मेन एंट्रेंस दिखाती हूँ कि वो कैसे है। ओ, चलते चलते मैं वापस अपनी कोटेज के पास आ गई हूँ, और ये हमारे जो फ्रेंड हैं वो भी जाग गए हैं। आ जाओ घूम लो थोड़ा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये देखिए
ये खुल जाता है ऐसे, और ये पानी चल रहा है, या पुल छोटे छोटे बने हुए हैं, और ये हमारी कॉटेज है, और ये मंदीपुरों की कॉटेज है। और अभी मैं और आगे चलती हूँ, हम टोटल 5-7 लोग का आए हुए हैं। अच्छा ये तो फिर, अच्छा ऐसे जाती हूँ मैं अभी, ये पानी कहीं से आ रहा है, इधर से वहाँ से आ रहा है ये पानी पौधों के लिए, और ये हेल्थ क्लब है, उस तरफ से आती हूँ मैं। ये है सोना एंड स्टीम इस रूम में। तो मैं घूम के इधर आ गई हूँ, और उस तरफ मेन गेट है, उस तरफ भी हम चलेंगे। तो अभी हम आपको लाइब्रेरी दिखा देते हैं। ये आ गए हम लाइब्रेरी में, बहुत ही सुंदर ये व्यू पॉइंट के हिसाब से और गोल घेरे में बनी हुई है। ये है यहाँ की लद्दाख की ड्रेस, छोटे बच्चे की बना रखी है, पहन रखी है। ये देखिए ऐसी कैप पहनते हैं ये बाजार में और जब बाहर निकलते हैं। और ये बुक्स रखी हुई हैं बहुत सारी, आप आओ पढ़ो बैठो, ये बैठने के लिए हैं। और ये इनका एक ओम पद्मे ओम मंत्र, ये जाप करते हैं तो इसको ऐसे घुमाते हैं तो बहुत सुंदर आवाज़ निकलती है। ये अभी हम घुमाएंगे इसको बाद में। और ये यहाँ के पर्टिकुलर ड्रैगन वाला टेबल है, ये मेरे पास भी, हम जब पोस्टिट थे तो मैंने यहाँ से 3 मंगवाए थे, बनवाए थे। ये बहुत सुंदर लगते हैं ये, और इसमें आप बैठ के इस तरफ, एक तरफ ये खाली होता है, इस तरफ खाली होता है। ये देखिए ये आप इसमें बैठ के आप खाना खा सकते हो, बैठ के पढ़ सकते हो। और ये बैठने के लिए बना रखी है, सामने बैठो, इस तरफ आप बुक्स रख के पढ़ो। तो ये हो गया है लाइब्रेरी का टूर। अब मैं चलती हूँ बाहर, और फूल तो क्या गजब खिले हुए हैं यहाँ, माय गॉड, बहुत ही सुंदर फूलों की क्यारियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए, और ये यहाँ का स्टाफ है, धूप सेक रहा है, अच्छी धूप आ रही है, अच्छी लग रही है, सामने सूरज है, हल्के हल्के बादल हैं। ये यहाँ है शॉप, एक खुल गई है सुबह ही, हम थोड़ी शॉपिंग करेंगे। और ये यहाँ के हैं ऑर्नामेंट, ये देखिए, ये यहाँ स्टोन ज़्यादा पहनते हैं लोग। ये शॉल हैं, और अंदर तो अभी कोई नहीं है, अंदर भी दिखा देती हूँ मैं, अंदर भी पूरा यही है। तो हम दिन में थोड़ा सा देखेंगे इसको। ये ड्राई फ्रूट है जो यहाँ होते हैं, कुछ यहाँ होते हैं, कुछ बाहर से लाए होंगे। ये यहाँ की वो खुमानी के बीज हैं, अखरोट हैं, और ये वो है एप्रिकोट है, और इनका तेल भी है, रीजनल रेट पे मिल जाते हैं यहाँ। हेलो, थैंक यू, फाइन, सुबह ही खोल देते हैं। ओके, चल दिन में आएंगे हम। साढ़े 10 बजे दिन में बंद कर देते हो? अच्छा, कोई ना, अब हम यहाँ आज यही। ओके 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 ओके, ये था यहाँ का स्टाफ। और ये है बंद है गेम रूम, नहीं मैम गेम ओपन रूम, अच्छा ये नहीं, शायद बंद। अच्छा ये गेम रूम है, इसमें टीटी लगा हुआ है, और अच्छा चेस भी है और कैरम बोर्ड है, यस, और बिलियर्ड्स है। आप आइए खेलिए, एंजॉय करिए। तो ये इस तरह से है, आगे और दिखाती हूँ आपको।
बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और स्टाफ तो बहुत ही गजब का है, बहुत ही प्यारा स्टाफ है, बहुत केयर करता है। अच्छा, ये इनकी ऑफिस है और ये वही रेस्टोरेंट आ गया है। और एक बार हमें फिर ये ऐसे इसमें डाल देते हैं बोतल वोटल, ये वो जो भी आपने डालना हो। ये बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है डस्टबिन का, यहाँ आप बैठ सकते हो दिन में। अच्छा, इस तरफ तो वह लाइब्रेरी होगी, मैं वापस ही जाती हूँ। आपको मेन एंट्रेंस भी दिखानी है। ये दिल खुश हो गया फूलों को देख के, जो हमारे सर्दी में फूल होते हैं, अब गर्मियों में फूल हो रहे हैं, लेकिन सर्दी उतनी है जितनी हमारी सर्दियों में होती है नॉर्थ इंडिया में। और ये मेन गेट हो गया जो मैं बाहर जा रही हूँ अभी, यहाँ से होते हुए ये। और ये पार्किंग है गाड़ी की, गाड़ी वाड़ी आप यहाँ लगाओ आराम से। ऐसे थोड़ा सा इधर भी जाती हूँ, लिखा होगा इनके रिजोर्ट का नाम। कौन सा गांव है ये? हाँ, हुंडर, हुंडर गांव है ये। ये देखो बाहर गांव में कच्चे घर हैं, लोग शायद अपने काम धंधे पर निकल गए होंगे। और ये बड़े बड़े पहाड़ तो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मैं शुरू से ही दिखा रही हूँ। चारों तरफ पहाड़ है, बीच में ये वैली है। जब दो पहाड़ों के बीच में प्लेन एरिया हो तो उसे वैली या घाटी कहा जाता है, और उसमें फिर रहते हैं लोग। तो काफ़ी नुब्रा वैली बहुत बड़ी है, इसमें 70-80 गाँव आते हैं। ये है जी इनका नाम, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आगे होती हूँ। आप आइए, रहिए और इंजॉय कीजिए वाइट सैंड रिजोर्ट, मिट्टी हुंडर नुब्रा यूटी लद्दाख। वाह क्या सुंदर नाम है। चाय का एंजॉय कर रहे हैं लोग हैं, और बाहर थोड़ा राजस्थानी लुक भी दे रखा है हमारी तरह से। ये देखिए मेन गेट पे रखे हुए हैं गुड्डा और गुड्डी। अब हम आ गए हैं अंदर। ये रिसेप्शन है क्या? Yes. वेटिंग रूम। ओके, ले सकते हैं ना? Yes, sure, sure. ये देखिए लकड़ी से बने हुए हैं ये पूरा है, वाओ बांस से है शायद। सोफा बड़ा सुंदर लग रहा है। ये देखिए बहुत सुंदर रिजोर्ट है, आप आइए रहिए, और स्टाफ का तो मुकाबला ही नहीं है बहुत ही प्यारा स्टाफ है, बहुत अच्छा लगा। चाय चाहिए थी 104, एक हनी लेमन टी और एक सिंपल टी दूध वाली। ओके थैंक यू। और ये क्या लगा रखा है? ये ऐसे बैठने का, अच्छा टेलीस्कोप है ये। ओके रात को देखते हैं इससे, ये टेलीस्कोप लगाया है दूर देखने के लिए। दूर भी हम रात को, रात को हाँ हम देख रहे थे लेकिन फिर ये चला नहीं हमारे से। अच्छा अभी बादल आ रहे हैं सामने। ओके ओके चलो आज रात को देखेंगे फिर। हाँ, क्या देखेगा? फिर चांद और तारे देखेंगे कल। यस यस चलो थैंक यू। ये है, अगर आपको यहाँ आने की इच्छा हो तो अगर आप कहोगे तो मैं पूछ के इसके रेट वेट बता दूंगी, क्योंकि मुझे अभी पूरा पता नहीं है कि ये इसका वन नाइट का कितना है स्टे करने का। तो ये हमारे वो जैसे मैंने बताया फैमिली फ्रेंड ने करवाया है, तो लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये झूला भी लगा हुआ है और ये सनफ्लावर का कलर कुछ अलग ही है, ये बहुत सुंदर है। घरेलू चिड़ियाएं यहाँ चहचहा रही हैं, और जो ये है ना खिड़कियों के जो लकड़ी का काम कर रखा है, इसमें इन्होंने घोंसले भी बना रखे हैं अपने,
और यहाँ आर्टिफिशियल घोंसले भी इन्होंने लटका रखे हैं। ये तो एक सजावट के लिए लटका रखे हैं शायद, लेकिन शायद चिड़िया इनमें भी बना सकती हैं अपने घोंसले। ये देखो, और आवाज़ें तो आपको साफ साफ सुनाई दे ही रही होगी। तो अभी थोड़ी देर में हम फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, अभी मैंने चाय का ऑर्डर दिया है, तो अभी मैं चलती हूँ। और ये एक वाटर बॉडी बन शायद बना रहे हैं अभी, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई है, धीरे धीरे काम चल रहा है, एक दो साल में बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी ब्रेकफास्ट लग रहा है और ये है हमारा बफे सिस्टम। गुड मॉर्निंग। अभी तो नहीं शुरू हुआ होगा, स्टार्ट है। अच्छा चलो जी, ये है इनका। देखो इतनी हाइट पे आके और इतनी दूर आके ये चीज़ें प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ी बात है। ये अभी ब्रेकफास्ट की लग चुकी हैं टेबल्स, तो अभी तो हम एक बार चाय वाय पी लेते हैं, फिर आते हैं 8:30-9 के करीब। अब मैं वहाँ से बाहर आ गई हूँ और अब चलती हूँ रूम में, हमारी चाय आ गई होगी। बीच में ये पट्टी आर्टिफिशियल ग्रास की लगा रखी है, लेकिन बहुत सुंदर लगती है। ये पानी कलकल करता हुआ जा रहा है। अब मैं चलती हूँ, एक बार फिर से व्यू दिखा देती हूँ कॉटेज का, और उसी पेड़ों के गलियारे से होती हुई मैं अपने रूम में चलती हूँ। देखिए आ गए। यस, मैं चाय पी के कप यहीं रख गई थी, अब इसको उठा लेती हूँ, अंदर ले जाती हूँ। नाम्स में बड़ा ही कन्फ्यूज़न है रूम्स में। मैं फिर एक बार दूसरे उसमें चली गई थी, लेकिन हमारा तो खाली खुला ही पड़ा है। 102 है हमारा 104 की बजाय। ये आ गई हूँ और देखती हूँ दोन साहब उठे हैं नहीं। चाय आ रही है, उठ जाओ। बता दिया? हाँ, मैं चाय का रूम नंबर गलत बताई आई थी, तो अभी मैं देखती हूँ वो कहाँ जाती है। तो इस तरह से सब एक जैसी हैं कॉटेज, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा बताना, कैसी प्रॉपर्टी लगी ये भी आप कमेंट करके बताना मुझे। थैंक यू।